अब हम इन गोलीय पृष्ठ लेंस से जुड़े कुछ चिन्ह परिपाटियों को समझते हैं आ, लेंस को हमेशा हम अपने कॉपी में या फिर जब बोर्ड में ड्रॉ करते हैं तो राइट साइड ही बनाते हैं यानी कि जो वस्तु जैसे कि प्रकाश आ रही है आपतित होने वाली है इस लेंस पर वो हमेशा लेफ्ट साइड होगी यानी प्रकाश की दिशा हम बनाएंगे तो वो बाई ओर से आती हुई होगी जो कि दाई और रखे लेंस पर आपतित होंगी दूसरा जो भी दूरी हम नाप रहे हैं वो सदैव हम प्रकाश सेंटर से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से ही हम नापेंगे अभी तक हम देख रहे थे गोली पृष्ठ में कि सारी दूरियों को हम ध्रुव से नापते थे हर गोली पृष्ठ का एक ध्रुव होता था उसका एक सेंटर होता था जिसको हम ध्रुव के नाम से जान रहे थे अब यहाँ पर अगर दो गोलीय पृष्ठ होंगे तो इसके दो अलग अलग ध्रुव होंगे तो जब हम दूरियों का मापन करेंगे तो इससे अलग अलग ध्रुवों से नापने पर असीमितता आ जाएगी इसलिए हम जब भी भी दूरियों का मापन करते हैं तो कहाँ से करेंगे इस लेंस के अंदर स्थित प्रकाश सेंटर से जो आपतित किरण है उसके डायरेक्शन में यदि हम दूरियों का मापन कर रहे हैं तो वह सदैव धनात्मक लिया जाएगा और उससे विपरीत दिशा में यदि हम नाप रहे हैं तो वह सदैव ऋणात्मक लिया जाता है जैसे कि ये उत्तर लेंस और अवतल लेंस की बात करें तो हम राइट साइड में लेंस बनाते हैं लेफ्ट साइड में वस्तु रखते हैं तो हमेशा जिस दिशा को हम लेफ़्ट से राइट की ओर नापेंगे वो धनात्मक ली जाएगी यानी कि लेंस के उस पार प्रकाश सेंटर से यदि हम नापते हैं तो वो सारी दिशाएं धनात्मक होंगी और लेंस के इसी पार यानी लेफ्ट साइड हम नापेंगे तो सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी चाहे वो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाए चाहे मुख्य अक्ष के नीचे नापी जाए वैसे ही जब हम आ, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर या नीचे दूरी को नापते हैं तो उसके लिए भी चिन्ह परिपाटी यूज करते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत यदि ऊपर नापा जा रहा है यानी कि ऊंचाई यदि हम नाप रहे हैं जब वस्तु हो या प्रतिबिंब तो उस ऊंचाई को उस लंबाई को हम धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे नापी जा रही है तो उस लंबाई को या उस गहराई को हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं चाहे उत्तर लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो यानी कि हम चाहे लेफ्ट साइड नापें लेंस के या राइट साइड नापें मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां लंबाई नापी जाएगी वो धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरियां या लंबाई नापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी और हम ये भी जानते हैं कि वस्तु की दूरी को हम जब भी, भी लेंस से या मिरर से आ, या फिर किसी गोली पृष्ठ से लेते हैं तो उसे यू से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दर्शाते हैं तो यहाँ पर भी हम लेंस से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u से दर्शाएंगे और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दर्शाएंगे अब इन्हीं चिन्ह परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए हम लेंस के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करेंगे इस लेंस के अपवर्तन के सूत्र को हम लेंस निर्माता का सूत्र के नाम से भी जानते हैं जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट uh, है आपके लिए और इसका जो फॉर्मूला आएगा उस पर आधारित कई आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं एक्चुअली ये जो लेंस निर्माता का सूत्र है ये किसी भी लेंस की फोकस दूरी उसका पदार्थ का अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताने वाला एक सूत्र है ये संबंध कुछ इस प्रकार होता है वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू ये जो फॉर्मूला हमको नज़र आ रहा है ये है लेंस निर्माता का सूत्र जहाँ पर एफ इस लेंस की फोकस दूरी है और म्यू लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है और R1 और R2 इस लेंस की दो वक्रताएं त्रिज्या हैं क्योंकि लेंस में दो गोली पृष्ठ होते हैं इसलिए यहाँ पर दो वक्रता त्रिज्या होगी और इसी संबंध के आधार पर हम किसी भी लेंस का निर्माण करते हैं इसीलिए इसे लेंस निर्माता का सूत्र कहा जाता है मतलब हम किसी कांच के पदार्थ से कोई लेंस बनाना चाहते हैं निश्चित फोकस दूरी का तो वो निश्चित फोकस दूरी के लेंस को बनाने में दोनों ही पृष्ठों की एक निश्चित वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए यानी कि आर वन और आर टू तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम उसका कैलकुलेशन करते हैं चाहे उत्तर लेंस बनाना हो चाहे अवतर लेंस बनाना हो तो निश्चित फोकस दूरी के उत्तर लेंस या अवतर लेंस का निर्माण हम इसी सूत्र से करते हैं इसलिए ये सूत्र लेंस निर्माता का सूत्र कहलाता है अब इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम कुछ और अवधारणाएं भी लेकर चलते हैं ये अवधारणा है कि लेंस का द्वारक बहुत ही छोटा होना चाहिए और लेंस इतना पतला होना चाहिए कि जितनी भी दूरियां उनके दोनों पृष्ठों के ध्रुवों से नापी जा रही है वो एक्चुअली दोनों के आ, प्रकाशिक केंद्र या बोल सकते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी गई दूरी के बराबर हो क्योंकि अगर दोनों ध्रुवों से अलग अलग दूरी नापेंगे तो कैलकुलेशन में परेशानी होगी इसलिए हम लेंस इतना पतला लेते हैं कि वो दो ध्रुव अलग अलग ना हो के बिल्कुल बहुत ही नजदीक हो और ये कह सकते हैं हम कि वो प्रकाश केंद्र के पास में हो तो जो दूरी हम ध्रुव से नाप रहे हैं वो बराबर होगी प्रकाश सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से नापी गई दूरी के इसमें जो आपतित आ, आ, प्रकाश लेंगे और अपवर्तित प्रकाश लेंगे ये दोनों ही किरणें मुख्य अक्ष के साथ अल्प कोण बनाती हुई होंगी और जो वस्तु हमने लिया है वो बिंदु वस्तु लेंगे और वो भी मुख्य अक्ष पर स्थित होगा तो इस अवधारणा को लेकर हम आगे लेंस निर्माता के सूत्र को ज्ञात करेंगे पहले हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बने चित्र को समझ लेते हैं यहाँ पर यदि हम उत्तल लेंस लें तो ये उत्तल लेंस के दो गोलीय पृष्ठ होंगे एक ए बी और दूसरा सी डी यहाँ पर जो ए बी की वक्रता त्रिज्या है वो हम आर वन ले रहे हैं और सी डी की वक्रता त्रिज्या आर टू ले रहे हैं और ये लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक हम म्यू लेंगे अब हम इस लेंस के लेफ्ट साइड में इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु लेते हैं जिसे हम दर्शा रहे हैं ओ से अब इस बिंदु वस्तु से एक किरण हम इस पर इस लेंस पर आपतित करते हुए देखते हैं माना कि ओ ए आपतित किरण है जो कि इस उत्तल लेंस पर ए भी पृष्ठ पर आपतित हो रही है अब इस लेंस को हम ध्यान देखें तो इसके दो पृष्ठ हैं। मतलब यहाँ पर दो बार अपवर्तन होगा एक ए बी पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का होगा, और दूसरा, द्वारा रखे हुए हैं यानी कि प्रकाश जो है वो वायु से निकलते हुए इस कांच में कांच के लेंस में प्रवेश कर रही है वायु कांच की तुलना में विरल माध्यम होता है और कांच सघन माध्यम यानी कि यहाँ पर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है और अपवर्तन के पश्चात सघन से विरल माध्यम में निर्गत हो रही है अब हम पृष्ठ ए बी के लिए देखें तो ओ वस्तु है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरण इस ए बी पृष्ठ से अपवर्तित हो रही है माना कि अपवर्तन के पश्चात ये ए से लेकर i बिंदु मुख्य अक्ष के i या I1 वन बिंदु पर जाकर कट कर रही है मुख्य अक्ष को तो इस ओ वस्तु का प्रतिबिंब ए बी पृष्ठ के द्वारा कहां पर बनेगा? इस आई वन पर बनेगा मतलब ओ वस्तु का ए बी पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब आई वन पे निर्माण होगा मुख्य अक्ष पर लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पृष्ठ नहीं है दूसरा पृष्ठ और है सी डी मतलब फाइनली जो प्रकाश किरण का अपवर्तन है वो इस सीढ़ी पृष्ठ से भी होगा और मान लीजिए सीडी पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात ये आ, आ, इस आई, बिंदु की ओर आगे की ओर बढ़ रही है तो फाइनली जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो बिंदु आई पर होगा यानी कि वस्तु का फाइनल प्रतिबिंब कहां बन रहा है आई पर लेकिन यदि हम सी डी पृष्ठ के लिए देखें तो इस आई प्रतिबिंब का निर्माण कब हुआ है जब हम इमेजिन कर रहे हैं कि आपतित प्रकाश की किरण कौन सी होगी जो आई डैश से आई वन से आ रही है मतलब इस सी डी पृष्ठ के लिए हम देखें तो आई वन वस्तु की तरह काम करेगी जिसका प्रतिबिंब आई पर बनेगा अब इसी चित्र को हम अवतल लेंस के लिए देखते हैं इस अवतल में दो अवतल गोलीय पृष्ठ होते हैं एक ए बी और सी डी यदि इस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हो इस बिंदु वस्तु को हम ओ से दर्शा रहे हैं इस बिंदु वस्तु से इस अवतल लेंस पर आपतित होने वाली किरण यहाँ पर इस आपतित किरण का दो बार अपवर्तन होगा एक बार पृष्ठ ए बी से और दूसरी बार पृष्ठ सी डी से मान लीजिए सबसे पहले इस आपतित किरण का अपवर्तन एबी पृष्ठ से हो रहा है हम जानते हैं कि पृष्ठ अवतल होने के कारण यहां पर किरणें फैल जाएंगी और यह आगे बढ़ती हुई ए से लेकर ई की ओर निकल जाएंगी मतलब यहां पर कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा इस अवतल पृष्ठ एबी के लिए अभासी प्रतिबिंब यदि किरणों को पीछे लिया जाए तो I1 पर बनेगा यानी कि इस अवतल लेंस के लिए O वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब AB के लिए I1 पर बन रहा है अब ये किरण जब पृष्ठ CD पर पहुंचेगी तो यहाँ पर फिर इसका एक बार अपवर्तन होगा और ये F की ओर आगे बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ भी किरण फैलती हुई नजर आ रही है तो यहां पर भी अभासी प्रतिबिंब ही बनेगा और यदि इस किरण को हम पीछे की ओर ले तो इसका अभासी प्रतिबिंब आई पर बनता हुआ प्रतीत होगा यानी कि ओ वस्तु का परिणामी प्रतिबिंब या आखिरी प्रतिबिंब आई पर ही प्राप्त होगा पृष्ठ सी डी के लिए आई वन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगी जिसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है यानी यदि हम पृष्ठ AB की बात करें तो O वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I1 पर बन रहा है लेकिन पृष्ठ CD की बात करें तो I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसका प्रतिबिंब I पर बनेगा तो हम दोनों पृष्ठों के लिए अलग अलग सेपरेटली हम पहले दो इक्वेशन निकालते हैं फिर दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे ताकि इस पूरे लेंस के लिए सूत्र का हम निर्माण कर सकें तो यदि हम आ, गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र देखें तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र होता है म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर जहां पर v क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी u वस्तु की दूरी mu इस आ, पदार्थ का अपवर्तनांक होता है और r त्रिज्या होती है अब इन्हीं को हम इस चित्र से रिलेट करेंगे और आगे डेरिवेशन को बढ़ाएंगे यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी यानी o तक की दूरी हम ले रहे हैं u इस प्रकाशिक केंद्र से I1 प्रतिबिंब की दूरी हमने लिया है v1 और इस प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब I की दूरी हम ले रहे हैं v अब इन्हीं मानों को हम इस गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र में रखते जाएंगे एक एक पृष्ठ के लिए तो सबसे पहले हम ए बी पृष्ठ को लेते हैं ए बी पृष्ठ को हम देखें तो इस ए बी पृष्ठ के लिए O वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई वन पर बन रहा है तो ये जो फॉर्मूला है अपवर्तन का वो किस प्रकार लिखा जाएगा म्यू अपॉन वी है मतलब प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर हम वी वन से दर्शा रहे हैं माइनस वन अपॉन वस्तु की दूरी यानी कि यू बराबर म्यू माइनस वन अपॉन आर वन क्योंकि पृष्ठ ए बी के लिए वक्रता त्रिज्या आर वन है और इस लेंस का अपवर्तनांक हमने म्यू लिया है यानी कि प्रकाश जो है अब वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हमने म्यू लिया है इसको हम दे देते हैं समीकरण एक अब हम बात करते हैं दूसरे पृष्ठ सी के लिए अब यहाँ पर हम देखें तो जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी यानी कांच से वायु में प्रवेश करेगी तब अब हम वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालेंगे तो इस पृष्ठ के लिए जब हम अपवर्तनांक लिखेंगे तो वो हो जाएगा वन अपॉन म्यू और इस पृष्ठ की बात करें तो जो प्रतिबिंब i1 बन रहा था ए बी पृष्ठ के द्वारा अब वही प्रतिबिंब i1 वन पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा i पर अब इसके आधार पर इस फॉर्मूले में हम मान रखते जाएंगे तो ये फार्मूला अपवर्तन का सूत्र किस प्रकार बन जाएगा म्यू के स्थान पर लिखेंगे वन अपॉन म्यू अपॉन यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी तो वी आ जाएगा माइनस वन अपॉन वस्तु की दूरी लिखने थे तो आई वन या वस्तु की तरह काम करिए जिसकी दूरी हमने v1 से दर्शाया है तो यहाँ लिखेंगे v1 बराबर वन अपॉन म्यू माइनस वन अपॉन आर टू क्योंकि सी डी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने आर टू ली है अब दोनों पक्षों से वन अपॉन म्यू कॉमन ले लेते हैं वन अपॉन म्यू कॉमन लेने पर लेफ्ट हैंड साइड बचेगा वन अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी वन इक्वल टू यहाँ पर भी वन अपॉन म्यू कॉमन लिया हमने तो बचेगा वन माइनस म्यू अपॉन आर टू दोनों पक्षों से वन अपॉन म्यू कैंसिल करने पर हमको मिलेगा वन अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी वन इक्वल टू वन माइनस म्यू अपॉन आर टू इस समीकरण को हम दे देते हैं समीकरण दो अब दो समीकरण मिल गए पृष्ठ एबी के लिए और पृष्ठ सी डी के लिए इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो दाया पक्ष दाएं से जुड़ेगा और बाया पक्ष बाएं से जुड़ेगा दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा म्यू अपॉन वी वन माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी वन इक्वल टू के राइट हैंड साइड मिलेगा म्यू माइनस वन अपॉन आर वन प्लस वन माइनस म्यू अपॉन आर टू यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें तो म्यू अपॉन वी वन म्यू अपॉन वी वन ये दोनों कैंसल हो जाएंगे और क्या बचेगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू वन अपॉन व्यू प्लस में था इसलिए मैंने पहले लिख दिया और वन अपॉन यू माइनस में था इसलिए बाद में लिखा इक्वल टू अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में म्यू माइनस वन कॉमन लेते हैं तो पहला टर्म वन अपॉन आर वन मिलेगा लेकिन दूसरे टर्म में वन माइनस म्यू था और हमने कॉमन लिया है म्यू माइनस वन इसलिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस वन अपॉन आर टू इसको दे देते हैं समीकरण तीन अभी समीकरण तीन में यदि हम वस्तु को अनंत पर रखें मतलब u बराबर अनंत हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तो यहाँ पर हम v बराबर f लिखेंगे तो ये समीकरण इस प्रकार बन जाएगा वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी यानी अनंत इक्वल टू म्यू माइनस वन ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू और वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब होता है जीरो तो यहां पर सिर्फ बचेगा वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू ये है फाइनल समीकरण जिसको हम दर्शाते हैं समीकरण चार से और यही समीकरण कहलाता है लेंस निर्माता का समीकरण जिसकी सहायता से लेंसों का निर्माण किया जाता है उनकी वक्रता त्रिज्या के आधार पर एक निश्चित फोकस दूरी का अब इस आ, लेंस निर्माता के सूत्र को यानी कि इक्वेशन नंबर फोर को हम इक्वेशन नंबर थ्री से कंपेयर करें तो हम देखेंगे दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे या हम यू कह सकते हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर होगा वन अपॉन एफ के और ये जो सूत्र हमको प्राप्त हो रहा है ये सूत्र कहलाता है लेंस का सूत्र किसी भी पतले लेंस के लिए तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अब ध्यान से देखिएगा लेंस निर्माता का सूत्र ये डिफरेंट चीज़ है जिसमें कि संबंध बताया जाता है लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में और ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है लेंस सूत्र जो कि संबंध बताता है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी के बीच में इस लेंस के सूत्र को भी निगमन करने के लिए एग्जाम में आता है और इसको हम दूसरे तरीके से भी निगमन कर सकते हैं तो चलो इसको भी देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार इसका व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं या इस सूत्र को किस प्रकार हम निगमित कर सकते हैं इस उत्तल लेंस के लिए हम चित्र को समझते हैं ये हमने एक उत्तल लेंस लिया है जिसको हम लोग एल से दर्शा रहे हैं और ये लेंस हमने बहुत ही पतला लिया है अब इस लेंस के लेफ्ट साइड हमने एक वस्तु रखी है जिसे हम ए बी से दर्शा रहे हैं अब इसके प्रतिबिंब के निर्माण के लिए दो किरणें हमको चाहिए होंगी तो पहली किरण हम ले रहे हैं जो इस मुख्य अक्ष के समांतर निकल कर आएगी और ये अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर यानी कि इसके द्वितीय फोकस से गुजरती हुई आगे बढ़ जाएगी जो दूसरी किरण है जो इसके प्रकाश केंद्र से गुजरेगी वो सीधे सीधे आगे बढ़ जाएगी और जहां पर ये दोनों किरणें मिल रही है वहां पर निर्माण होगा प्रतिबिंब का और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इस प्रतिबिंब को हम दर्शा रहे काल्पनिक रेखा के द्वारा काट देते हैं अब इस लेंस को जिस काल्पनिक रेखा से काटे हैं तो ये अपवर्तित किरण जहां पर इसको टच कर रही है इस बिंदु पर इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी अब इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ पर दो दो त्रिभुजों को समरूप बनाते जाएंगे और एक एक इक्वेशन के तौर पर आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दो त्रिभुज हमको नज़र आ रहे हैं आप यहाँ देखेंगे कि एक प्रकाश केंद्र से एक त्रिभुज इस वस्तु के साथ बन रहा है और प्रकाश केंद्र से दूसरा त्रिभुज इस प्रतिबिंब के साथ बन रहा है तो हम दो त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा ए डैश ओ बी डैश ये दोनों त्रिभुजों को हम ध्यान से देखें तो ये ए बी और ए डैश बी डैश ये मुख्य अक्ष के लंबवत हैं एक ऊपर की ओर है और दूसरा नीचे की ओर है तो लंबवत है तो ये मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इनके ये दोनों कोण 90-90 डिग्री हो गए अब ये जो आ, रेखा है ए डैश ये कट कर रही है इस मुख्य अक्ष को बी ओ बी डैश को तो ये दोनों ही रेखाएं जब एक दूसरे को कट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सम्मुख कोण बराबर होंगे इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर ए डैश ओ बी डैश अब इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं एक तो 90 था और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी बराबर था तो तीसरा कोण निश्चित रूप से समान ही होगा अब तीनों कोण समान हुए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे और ये दोनों ही त्रिभुज जब समरूप हुए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा यानी लंब का अनुपात लंब से लेते हैं आधार का आधार से और कर्ण का कर्ण से तो ये बराबर आता है तो यहाँ पर लंब का लंब से लें यानी ए बी अपऑन ए डैश बी डैश ये बराबर होगा आधार के अनुपात के यानी कि ओ बी अपॉन ओ बी डैश इसको हम लिख देते हैं समीकरण एक इसी प्रकार अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे जो कि फोकस का बन रहा है देखते हैं हम त्रिभुज सी ओ एफ और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ इन दोनों त्रिभुजों को भी ध्यान से देखेंगे तो सी ओ ये रेखा भी मुख्य अक्ष के लंबवत है और ए डैश बी डैश भी मुख्य अक्ष के लंबवत है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और दूसरा यहाँ पर देखे कोण सी एफ ओ और कोण बी डैश एफ ए डैश ये दोनों भी समान होंगे क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है उसको रेखा ए एफ ए डैश कट कर रही है तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे अब ये जब दो कोण बराबर हुए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा इस आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए और समरूप होंगे तो उनके भुजाओं का अनुपात भी समान होगा अब हम इनके भुजाओं का अनुपात लेते हैं लंब का अनुपात लंब से लेते हैं सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आधार का अनुपात लेते हैं ओ एफ अपॉन एफ बी डैश अब इसी समीकरण में हम लोग देखें तो सी ओ के स्थान पर हम लोग ए लिख सकते हैं क्योंकि जितना सी ओ है उतना ही ए बी है तो हम सी ओ के स्थान पर ए बी लिखेंगे तो ये समीकरण मिलेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश इसको दे देते हैं समीकरण दो अब समीकरण एक को दो से कंपेयर करते हैं एक और दो के दोनों लेफ्ट हैंड साइड समान है तो उनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे तो दोनों को कंपेयर करने पर हम लिखेंगे OB अपॉन OB- इक्वल टू OF अपॉन FB- अब यहाँ पर FB- कितना है? यदि मैं OB- में OF घटा दूँ, तो बची हुई दूरी वो कितनी होगी FB- तो अब FB- की जगह यही मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा OB अपॉन OB- इक्वल ओ एफ अपॉन ओ बी डैश माइनस ओ एफ अब इस पूरे समीकरण में हम सबका वैल्यू रख देते हैं सबके मान को रख देते हैं वो भी चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पर हम देखें तो जो ओ बी है वो आ, किसके बराबर होगी ये वस्तु की दूरी है इस प्रकाश केंद्र से तो यहाँ पर हम इस वस्तु की दूरी प्रकाश केंद्र से U से दर्शाते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम माइनस यू लिखेंगे क्योंकि हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं ओ बी डैश ये है प्रतिबिंब की दूरी प्रकाश केंद्र से चूंकि हम आपतित किरण के डायरेक्शन में नाप रहे हैं इसलिए धनात्मक वी लिखेंगे और जो ओ एफ है वो तो इसका फोकस दूरी है तो इसको हम दर्शाएंगे एफ से और ये भी धनात्मक होगा क्योंकि हम आपतित किरणों की दिशा में ही इसको मापन कर रहे हैं अब मान रख देते हैं तो जाएगा माइनस u अपॉन वी इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको सरल करने के लिए तो ये हो जाएगा माइनस यू ब्रैकेट के अंदर v माइनस एफ इक्वल टू वी एफ अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस u को तो पहला टर्म मिलेगा माइनस यू वी सेकेंड टर्म क्या होगा माइनस माइनस प्लस तो प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ अब हम एफ एफ वाले टर्म्स को एक साथ कर देते हैं यहाँ पर यू एफ है और इक्वल टू के उस साइड वी एफ है वी एफ को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस वी एफ हो जाएगा तो यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू अब ये यू वी माइनस चिन्ह के साथ इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस यू वी अब इस पूरे समीकरण को हम U V F से भाग दे देते हैं तो भाग देने पर हमको क्या मिलेगा U F अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ अब जो जो कैंसल हो रहा है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देते हैं फर्स्ट टर्म में हम देखें यू एफ यू एफ कैंसिल हो जाएगा दूसरे टर्म में वी एफ वी एफ कैंसल होगा और तीसरे टर्म में यू वी यू वी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली जो समीकरण बचेगा वो है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ और यही है लेंस का सूत्र अभी हमने इसे ज्ञात किया उत्तल लेंस के लिए अब इसी लेंस के सूत्र को हम ज्ञात करते हैं अवतल लेंस के लिए इसके लिए अब हम अवतल लेंस से बने हुए प्रतिबिंब का चित्र देखते हैं मान लीजिए एल यहाँ पर हमने एक अवतल लेंस लिया है और इसके सामने एक वस्तु रखी है ए बी जैसे कि हम जानते हैं कि अवतल लेंस अब सारी लेंस है और इससे अपवर्तित होने वाली किरणें फैल जाएंगी और जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा तो ये ए बी वस्तु से जो प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के समांतर निकल रहा है वो अपवर्तन के पश्चात फैल जाएगा यहाँ पर हमने लेंस के बीचों बीच एक रेखा खींची है ये इसलिए खींची क्योंकि इस लेंस के दो अपवर्तक पृष्ठ हैं तो यहाँ पर अपवर्तन दो बार होता है लेकिन हम इस चित्र को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम ये दोनों पृष्ठों के बीच में एक रेखा खींच दिए हैं और जो अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का वो इसी रेखा से मानते हुए चल रहे हैं अब यहाँ पर इस लाइन से हम देखें तो ये रेखा ये जो प्रकाश किरण थी वो फैल गई है और ऊपर इस डी बिंदु की तरफ आगे निकल गई मतलब ये इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि ये फोकस से आ रही हो ये एफ यहां पर फोकस है या सी बिंदु के पश्चात हमने अपवर्तन देखा अब प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमको दो किरणों की आवश्यकता होती है तो हम दूसरा किरण लेंगे जो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजर रहा होगा तो इस ए बिंदु से प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधे सीधे आगे निकल जाएगी और यहाँ पर जहाँ ये दोनों अपवर्तित किरणों का आ, मिलन हो रहा है या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर दो किरणें मिल रही हैं वहाँ पर बनेगा आभासी प्रतिबिंब जिसको हम दर्शा रहे हैं ए डैश बी डैश से चूँकि ये आभासी प्रत, प्रतिबिंब है ये सीधा बनेगा और ये वस्तु की तुलना में छोटा बनेगा अब यहाँ पर हम आ, दो त्रिभुजों को देखते हैं त्रिभुज ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ इन दोनों त्रिभुजों को हम देखें तो ए बी और ए डैश बी ये दोनों ही रेखाएं मुख्य अक्ष के लंबवत हैं क्योंकि एक वस्तु है और दूसरा प्रतिबिंब है तो ये दोनों ही मुख्य अक्ष से 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे दूसरा यहाँ पर ये कोण देखें जो ओ में बन रहा है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है मतलब एंगल ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश यह कॉमन एंगल है ओ इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के दोनों कोण समान हुए तो तीसरा कोण भी समान होगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा अब यहाँ पर हम लंब का अनुपात लंब से लेते हैं और आधार का आधार से तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ बी डैश इसको हम दे देते हैं समीकरण एक इसी प्रकार अब हम दूसरे दो त्रिभुज लेते हैं ये त्रिभुज सी ओ एफ और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ इन दोनों त्रिभुजों को भी यदि हम देखें तो यहाँ पर सी ओ मुख्यक्ष के लंबवत है ए डैश बी डैश भी मुख्यक्ष के लंबवत है तो ये दोनों मुख्यक्ष के साथ 90 90 का कोण बना रहे होंगे और दूसरा यहाँ पे ये जो कोण दिख रहा है कोण ए डैश एफ बी डैश और कोण सी एफ ओ ये दोनों तो कॉमन कोण है जो दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है ये भी समान होंगे इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के जो बचे हुए कोण हैं वो दोनों भी समान होंगे और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो यहाँ पर भी इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा हम आधार का अनुपात आधार से और लंब का अनुपात लंब से लेते हैं इस प्रकार हम देखें तो सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ एफ अपॉन बी डैश एफ अब इस चित्र में हम ध्यान से देखें तो जितना सी ओ है उतना ही ए बी है तो सी ओ के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं तो यहाँ पर यह समीकरण बन जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ अपॉन बी डैश एफ इसको दे देते हैं समीकरण दो अब समीकरण एक और समीकरण दो इन दोनों की तुलना करें हम तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड समान है तो इनके राइट हैंड साइड भी समान होंगे राइट हैंड साइड को समान करने पर हमको क्या मिलेगा ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ अब यहां से बी डैश एफ का मान निकालते हैं इस चित्र में हम बी डैश एफ को देखें तो ये कितना होगा यदि ओ एफ में हम ओ बी डैश को घटा दें तो जो बची वाली दूरी मिलेगी वो एफ बी डैश है तो यहाँ पर बी डैश के जगह पर ये मान रख देते हैं तो हमें मिलेगा ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन ओ एफ माइनस ओ बी डैश अब इन सारे मानों को हम इस चित्र अनुसार चिन्ह परिपाटी की सहायता से लिखते जाते हैं तो यहाँ पर ओ बी यानी कि ये वस्तु की दूरी है इस प्रकाश केंद्र से तो ये U से दर्शाया जाएगा चिन्ह परिपाटी यदि हम रखें तो ये माइनस यू होगा क्योंकि हम यहाँ आपतित किरणों के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं वैसे ही ओ बी डैश देखें हम तो ये प्रतिबिंब की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से इसे हम दर्शाएंगे V से और यहां भी ये अपतित किरण की विपरीत दिशा में इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस वी और ओ एफ ये है फोकस दूरी तो हम यहाँ पर इसे एफ से दर्शाएंगे लेकिन यह भी आपतित किरणों की विपरीत दिशा में इसलिए यहां पर भी हम माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे अब इन सारे मानों को इन समीकरण में रखने पर हमें क्या मिलेगा माइनस यू अपॉन माइनस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी अब इधर राइट साइड में अगर मैं माइनस कॉमन ले लू डिनोमिनेटर में तो इधर हमें क्या मिलेगा माइनस एफ अपॉन माइनस ब्रैकेट के अंदर एफ़ माइनस वी और राइट right साइड में माइनस यू अपॉन माइनस वी ये माइनस माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल करने पर हमें मिलेगा u अपॉन वी इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस वी अब इसको हल करने के लिए सरल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा u ब्रैकेट के अंदर f माइनस वी बराबर वी एफ फिर नेक्स्ट स्टेप में यू को गुणा कर देते हैं दोनों पदों में तो हमें मिलेगा यू एफ माइनस यू वी इक्वल टू वी एफ अब हम एफ एफ वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं तो हमें मिलेगा यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू वी अब इन दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग दे देते हैं यू वी एफ से भाग देने पर हमें मिलेगा Uf upon Uvf minus vf upon Uvf equal to Uv upon Uvf. अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको काट देते हैं फर्स्ट वाले में यू एफ़ और यू एफ कैंसिल होगा सेकेंड वाले में वी एफ वी एफ कैंसिल होगा और थर्ड वाले में यू वी यू वी होगा तो हमें फाइनली क्या मिलेगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ़ ये फॉर्मूला है लेंस फार्मूला जिसे हम लेंस सूत्र कहते हैं अवतल लेंस के लिए और ये फार्मूला एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है जैसे कि हमने उत्तल लेंस में प्राप्त किया था उत्तल लेंस में हमने देखा था कि वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और अवतल लेंस को लेके चले तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब मिल रहा था मतलब ये जो लेंस का सूत्र है ये दोनों ही लेंस के लिए चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो चाहे उसमें प्रतिबिंब वास्तविक बने या आभासी बने ये सभी परिस्थितियों में सत्य है